प्राचीन समय में मनुष्य गुफाओं में रहता था। पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनमें मनुष्यों के रहने का प्रमाण मिलता रहा है। भारत में भी ऐसी कई गुफाएं हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी गुफा के बारे में जिसका संबंध रामायण काल से है। जी हाँ, ये गुफा थी वानर सम्राट बाली की। बाली वही था जिसका वध प्रभु श्री राम ने किया था। बाली बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। कहा जाता था बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध के लिए उसे ललकारता था उसकी आधी शक्तियां बाली में चली जाती थी। बाली ने युद्ध में रावण को भी पराजित किया था। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो सबको पता है, लेकिन बाली की गुफा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुग्रीव और बाली के बीच दुश्मनी क्यों हो गई थी, इसका राज भी इसी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। एक बार मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागता भागता एक गुफा के अंदर चला गया। बाली ने सुग्रीव को उस गुफा के द्वार पर खड़ा होने को कहा और खुद उस गुफा के अंदर मायावी राक्षस को मारने के लिए अंदर चला गया। लगभग एक साल गुजर गए, बाली बाहर नहीं आया। इससे सुग्रीव को बहुत चिंता हुई, परंतु सुग्रीव ने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा है। सुग्रीव को लगा कि बाली युद्ध में मारा गया। सुग्रीव को डर था कहीं मायावी राक्षस बाहर निकलकर उस पर हमला न कर दे, इसलिए सुग्रीव ने उस गुफा के द्वार पर एक बड़े पत्थर की मदद से बंद कर दिया और किष्किंधा वापस चला गया। इधर बाली मरा नहीं था, और जब वह गुफा के द्वार पर आया तो उसने देखा कि सुग्रीव ने बाहर से गुफा बंद कर दिया है, तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। और जब वो अपने राज्य में पहुंचा तो उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। इसी वजह से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे थे। आज के समय में बाली का वो गुफा कर्नाटक के हम्पी के पास स्थित है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही गुफा है जहां पे बाली ने मायावी राक्षस को मारा था। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस गुफा का परीक्षण किया। जब वह उस गुफा में गए तो वह गुफा कितना लंबा है इसका अंदाजा वो नहीं लगा पाए। काफी दिनों तक वे उस गुफा में रहे ताकि वो इस सच्चाई का पता लगा पाए कि क्या वाकई में वो गुफा बाली वाली गुफा है। कुछ दिनों के बाद उन्हें कुछ अवशेष प्राप्त हुए जो किसी मानव अंग की तरह लग रहा था। जब वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह अवशेष 6 से 7 हजार साल पुराना है। उन्हें उस गुफा में कुछ ऐसी लिखावट भी मिली जो आज के समय में पढ़ना मुमकिन नहीं था। शोध में पता चला कि ऐसी लिखावट वानर जाति के लोग किया करते थे। वानर इंसानों के जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन उनका मुंह बंदर के समान था, जैसा कि हमें रामायण में उल्लेख मिलता है, जिसकी वजह से यह सिद्ध हुआ कि ये गुफा बाली की है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।